सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, राइट। पॉजिटिव वर्क डन किसको बोलते हैं? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो हाँ पॉजिटिव वर्क डन बोलोगे, राइट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप उसको नेगेटिव, नेगेटिव और अगर फोर्स, ये यहाँ पर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो उस केस को हम क्या बोलते वर्क डन, हैं? जीरो जीरो वर्क डन। वर्क डन। इट इज जीरो वर्क डन। कोई डाउट? नो सर, इसके बाद मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताई थी। भाई काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मोशन, एक ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इस अब इसको काइनेटिक एनर्जी बोलो, वर्क की यस सर। बात है। यूनिट होता है क्या? होता है जूल। काइनेटिक एनर्जी जूल, जूल मोशन, भी किसकी वजह से होती है बेटा? ऑब्जेक्ट के मोशन की। मोशन में आप अच्छे से याद रखते हैं ना। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है आपका एम जी, एमजीएच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है एम जी एच, जो कि स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, पी इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोर्ड एनर्जी, या बोलना एनर्जी चाहिए चेंज इन पोजीशन के वजह से। चेंज इन पोजीशन, चेंज ऑब्जेक्ट। इन गुड पोजीशन आफ्टरनून सर। होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल करेक्ट एनर्जी, यस सर। है, गुड आफ्टरनून। और पोटेंशियल एनर्जी की भी ऐसा यूनिट सेम है जो पावर पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एनर्जी, टाइम। वर्क डन अपॉन तो टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम बोलो या एनर्जी अपॉन टाइम बोलो, एक ही बात है। करेक्ट है। और इस पावर की जो ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा वॉट, जूल, वॉट, जूल, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो वॉट होती है, जूल नहीं होती भाई, है ना, इट इज वॉट। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखोगे, ये तो पावर का फॉर्मूला हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा दिया था। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये याद रखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल केल्विन ऑफ एनर्जी में में था, क्योंकि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर का यूनिट होता है आपका वॉट, है ना। और वर्क डन को आप एनर्जी लिख सकते हो, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड। तो अगर एनर्जी की कमर्शियल यूनिट लिखना चाहो तो आप इसको किलो वॉट आर में रिप्रेजेंट करते हैं, के डब्ल्यू एच। एनर्जी इज इक्वल टू किलो वॉट आर, एक्चुअल में ये एनर्जी है। आप इसको एनर्जी बोल दो, आप इसको वर्क डन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमर्शियल यस यूनिट ऑफ पावर बोल दे या कमर्शियल ऑफ यस एनर्जी बोल दे, एक ही बात है, दैट इज किलो वॉट आर। वो एनर्जी की बात कर रहा है आपसे। पहले बताओ ये आया समझ में? हाँ, सर, तो यस शुरू से अभी तक इतना कुछ मेन मेन पढ़े हैं, जो बातें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? सर। नाउ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फटाक से। चलो, मैंने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको पढ़ा दी थी। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल। राइट डाउन द हेडिंग रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल। पूर्वांजलि दिशा लिखो, रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल। वैसे लूंगा वो फुल। यस रिलेशन किलो वॉट आर एंड जूल। नाउ ये रिलेशन आपको सीखना पड़ेगा, समझो इसको बहुत अच्छी तरीके से। आपको मालूम है आपने एनर्जी की जो यूनिट पढ़ी है, मैं आज थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग को ऑडिबल है? सर, बहुत यस अच्छे से। सर, हम लोग एनर्जी, बोल रहे थे। यस सर, एनर्जी, हाँ, आज थोड़ा सा वॉइस धीरे निकल रही मेरी। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है वो जूल होती है, जूल, ये याद है आपको। और अभी यस कमर्शियल सर, यूनिट ऑफ एनर्जी जो पढ़ा है ना, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, DUE।
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है किलो किलो वॉट वॉट आर, बोलो करेक्ट है ना। देखा जाए तो दोनों ही एनर्जी है, ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, करेक्ट है। यहाँ एनर्जी की यूनिट हम किलो वॉट आर बोल रहे हैं और यहाँ एनर्जी की यूनिट जूल बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों में रिलेशन बन सकता है क्योंकि दोनों एनर्जी की ही यूनिट है ना। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाने का मतलब ये होता है कि किलो वॉट आर को क्या आप जूल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे, पहले ये समझो, वन किलो वॉट आर, वन किलो वॉट आर। अब यार इस चीज को समझो, अब अगर मुझे इसको जूल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले ये देखो एनर्जी की यूनिट जूल कब आती है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम बोलो या पावर इज इक्वल टू एनर्जी टाइम बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अगर मैं पावर की ऐसा यूनिट, अगर मैं पावर की ऐसा यूनिट वॉट रख दूं इनटू टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड रख दूं, तो ये जो वॉट एनर्जी सेकंड ऐसा यूनिट वॉट पर सेकंड, हम जूल बोलते हैं इसी को, हम क्या बोलते हैं जूल, जूल में जो वॉट इनटू उसी को हम जूल बोलते हैं। तो अगर मैं किलो वॉट आर को वॉट इनटू सेकंड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो हम जूल बोल सकते हैं, आया समझ में। किलो वॉट आर को वॉट इनटू सेकंड के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब यार ये देखो वन किलो वॉट कितना वॉट होता है, वन किलो वॉट इज इक्वल टू कितना वॉट होता है, 1000 वॉट। वन आर इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। वन आर इज इक्वल टू 60 मिनट और वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 3600 सेकंड में करना है तो 60 इनटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 किलो वॉट को वॉट में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली ये जो टर्म है कि 1 किलो वॉट आर ये मेरा वॉट इनटू सेकंड में कन्वर्ट, बोलो आया क्या समझ में। यस सर, यस सर। ठीक, तो भाई 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा 1000 into 3600 वॉट इनटू सेकंड, बोलो करेक्ट है, 36 लाख सर, और 36 लाख, नो सर, 3 करोड़ 60 लाख। बेटा एक मिनट मेरे को बोलने तो दो, आप लोग 1000 into 3600 अगर करेंगे तो 36 लाख अगेन 000 यही बचेगा, और वॉट इनटू सेकंड को क्या मैं जूल बोल सकता हूँ। यस सर, यस, वॉट इनटू सेकंड को क्या मैं जूल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ समझाया वो चीज मैंने आपको, ठीक है ना। तो अब देखो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू कितना जूल आ गया, तो 36 लाख आर इज इक्वल टू हो गया आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5 जूल। यस सर, या समटाइम्स इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि 1.6 3.6 into 10 to the power 6 जूल। आया क्या समझ में। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लर्न रहना चाहिए, लर्न दिस, आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, आपको एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वन मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि 1 किलो वॉट आर जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 3.6 जूल। आया क्या समझ में। यस सर, यहाँ तक कहीं कोई डाउट। सर, नो सर, ठीक, नो सर, नोट डाउन करो। चलो ना, याद रखना, कल ही आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि घरों में या इंडस्ट्री में जब भी हम बिजली बिल की बात करते हैं ना, तो वहां जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसको हम वॉट में ही लिख सकते, क्योंकि वॉट एक बहुत छोटी यूनिट है और किलो वॉट आर एक बड़ी यूनिट है, तो हम किलो वॉट आर यूज करेंगे, वॉट यूज नहीं करेंगे। पहले बताओ, आया समझ में। यस सर, लिखना नहीं, यस सर, सिर्फ रीड करो,
दोनों पॉइंट को रीड करो, कल लिखवा चुका हूँ, रीड करो। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर, ठीक, पावर दिया है बताओ कितना? 60 वॉट। अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि वॉट पावर अगर वॉट में दिया है तो आप उसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लो, ठीक। तो अगर वॉट को मुझे किलो वॉट बनाना है तो मुझे 1000 से डिवाइड बाय 1000 0.6 करेंगे तो ये किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो करेक्ट है? यस 0.06 नहीं लेके आ रहा हूं, है ना, इसको ऐसे ही रखो, डेसिमल में मत लाओ। और टाइम आपको ऑलरेडी आर में दिया हुआ है तो ये आसान हो गया आपके लिए कि टाइम पहले से आर में दिया है, क्योंकि हमको बोला है हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, और यूनिट का मतलब kWh आपको यहाँ बताया है, हो सकता है एग्जाम में ना बताए तो आपको ये मालूम होना चाहिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहा है, यानी कि आपको kWh यानी किलो वॉट आर में एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा पावर इंटू टाइम, तो पावर हो गया आपके पास 6/100 इंटू टाइम हो गया आपके पास 50 180,000। तो बताओ ये कितना, जीरो से जीरो गेट कैंसिल आउट, नाउ 5 6 30 by 10, तो जीरो से जीरो गेट कैंसिल आउट, तो आपकी एनर्जी फाइनली आ रही है 3 यूनिट। आप इसको 3 यूनिट बोल सकते हो और आप इसको 3 kWh बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, एवरीवन गॉट इट ना, क्लास 9th? यस सर। ठीक है, बढ़िया, चलो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है तो मार्केट एज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन स्पेशली श्योर शॉट एग्जाम में आपको मिलता है, है ना, एक एग्जाम, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इससे बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो 1 mark का हो, चाहे वो 2 mark का हो, चाहे वो 3 mark का हो, आ रहा है सर में? उससे ज्यादा नॉट एक्सपेक्टेड, इतना तो आएगा। चलो नेक्स्ट आपका बन गया, देखो ये दिया हुआ है, अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जून, अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आपको ई दिया है बेटा, दैट इज 250 किलो वॉट आर, आप इसको यूनिट बोल दो किलो वॉट आर बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेट दिस एनर्जी इन जून, हमको डायरेक्ट रिलेशन मालूम है कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 होता है जूल, ये सीधा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पहले विनय पूछ रही थी ना कहाँ यूज होता है, देखो यूज हो गया, 250 इंटू 3.6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 900 क्यों बनाएंगे? क्या करना था? सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है सर, एक बात बोलूं, 3.16 यार पहले ये बताओ तुम लोग सबके साथ ये क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं सर, आया है समझ, यूनिट में कन्वर्जन है बेटा और कुछ नहीं है, तो 25 × 36 कोई बताएगा? 900 आ रहा है पावर उसको आप 2 0 हटा के 8 कर रहे हो ना, मैं नहीं करी थी उसको। अच्छा नहीं तो भी चलेगा, आप आंसर चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे आप आंसर ऐसे लिख दो, आपके कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। और अगर 90 करोड़ लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो क्या मतलब ऐसे लिख के, 10^0 जब जीरो ज्यादा रहते हैं तो 10^0 में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसमें भी मार्क्स कोई कट नहीं करेगा, लिख सकते हो आप। पहले ये बताओ कंप्लीटेड, रब कर लो, मूव ऑन टू द सैंपल प्रॉब्लम। अरे हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हेडिंग डाल लूं तो मजा ही नहीं आया पढ़ने में। और क्वेश्चंस होंगे ना इसमें, रुक जाओ देखने को। द पावर आउटपुट ऑफ एन 3 किलोवाट, पावर कितना दिया है 3 किलोवाट, 60 kg
20 सेकेंड तो बेटा टाइम है आपका 20 सेकेंड। अरे क्या बात। नाउ पहले एक चीज बताओ, आपको वर्क डन निकालने बोला था, मैंने आपको ऑलरेडी बनाया बताया वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, तो यहां पर आप सेम एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम या वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 3 किलोवाट है ये आपका और ये सेकेंड है। तो किलोवाट को आपको निकालने किस में बोला है, देखो जरा 20 सेकेंड में निकालने बोला है, सिर्फ वर्क डन निकालने बोला है, ठीक है। yes, एक काम करते हैं, सिर्फ वर्क डन निकालने बोला है तो हम उसको जूल में निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्क डन हमेशा जूल में ही निकालते हैं अपन, है ना, उसने किलो वाट में तो निकालने बोला नहीं। तो किलो वाट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इंटू वाट, कोई बात नहीं, चलो। तो ये हो जाएगा बताओ कितना, 3000 इंटू टाइम कितना है 20 सेकंड, ये आ जाएगा 60,000 वाट, यानी कि वाट बोलता हूँ, है 60,000 इसको आप लिख सकते हो 3, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 7, 9, 6, 1 जब वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 0 4 0s कैंसिल, 6 6 36 0, तो 1/60 आ रहा होगा आपका, 1/60 आ रहा होगा कुछ, 1/60 किलोवाट आर। वैसे इसको जूल में ही निकालना था आपको, ठीक है। वर्क डन देखो, सिंपली आपसे वर्क डन निकालने बोला है तो आप उसको जूल में निकाल करके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। Yes, sir. ऐसा भी छोड़ सकते हो अगर आपने किलोवाट आवर में निकाला है तो। खैर आगे बढ़ें, ये हो गया होगा सबका कंप्लीट है। Yes, sir. ये बताओ, E दिया है आपका 600 किलो जूल, ठीक, इन 5 मिनट्स, तो टाइम दिया है हमको 5 मिनट्स, तो मिनट्स को याद देखो। अब आपको पावर निकालना है, पावर निकालना है, तो किलो जूल को पहले मैं जूल में लिख लेता हूं, तो 600 इंटू 1000 कर लेता हूं, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो करेक्ट है। अब पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 1000 का होल अपॉन 5 इंटू 60, बोलो करेक्ट है। Yes, sir. ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल आउट, 6 1 6 0 2000 ये आ गया आपका 2000 वॉट, आया समझ में। Yes, sir. या आप उसको 2 किलो वॉट भी बोल सकते हो। Yes, sir. आप 2 किलो वॉट लिखो, 2000 वॉट लिखो, एक ही बात। Is that clear to you, everyone? Yes, sir. Just numericals are very, very easy. अगर ये solve नहीं हो रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। हो रहा है? 5 electric fans, 1 ऐसा NCERT में है कैसे question कोई? No, sir. नहीं है ना? चल देखो। 5 electric fans, 120 watt each are used for 4 hours. This type of question आप ये मान के चलो आपको exam में आ सकता है, क्योंकि हर साल इस type के question पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फैन की जगह आपको बल्ब लिख देगा, बनेगा वैसे ही, तो प्लीज इसको ध्यान से समझो जिनका नहीं बना है। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक फैन का पावर दिया है, पावर ऑफ 1 इलेक्ट्रिक फैन कितना, 120 वॉट, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, एंड इट इज यूज फॉर 4 आवर्स, चलो मुझे याद रहेगा। नाउ मुझे ये बताओ, पावर ऑफ 5 इलेक्ट्रिक फैन कितना हो जाएगा, 120 into 5 600 आ रहा है, 600 वॉट, करेक्ट है। ये पावर ऑफ, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट देन मल्टीप्लाई,
हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैंने पहले कर दिया वॉट में, फिर मल्टीप्लाई कर दू, फिर किलो वॉट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो पावर ऑफ 5 इलेक्ट्रिक फैन आ गया 600 वॉट। अब अगर मैं इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो एंड जीरो गेट कैंसिल, इट इज 6/10 किलो वॉट। कोई डाउट? नो सर। अब ये पावर ऑफ 5 इलेक्ट्रिकल फैन है ठीक किलो वॉट में, और ये कितने घंटे यूज हो रहे हैं ये पांचों फैन, ये हमको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है 4 आवर आई थिंक सो, है ना, टाइम दिया है 4 आवर। तो आपको एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय 5 फैन आपको निकालना है, यानी ई निकालना है टोटल एनर्जी। आप बोल सकते हो कि भाई टोटल एनर्जी जो है ये आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, दैट इज नथिंग बट पावर है 6/10 इनटू टाइम है आपका 4 आवर। तो आप कैंसिल, है ना, अरे मैं क्या कैंसिल कर रहा हूं, नो सर, 24/10 2.4 किलो वॉट आर भी एनर्जी कंज्यूम बाय द 4 फैन। आया क्या समझ में? इस टाइप से निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है समझने के लिए। ऐसे ही अगर अप्लायंसेस बढ़ा दिए जाएं तो आपको पहले, जैसे ये 5 फैन का आ गया ठीक, 5 इलेक्ट्रिक फैन का, इसी में 4 बल्ब का दिया होता तो जैसे फैन का निकाले हैं वैसे ही नीचे 4 बल्ब का भी निकाल लेते और उसके बाद सबको ऐड कर देते तो टोटल एनर्जी आ जाती। आया समझ में? और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज नथिंग बट इक्वल टू 2.4 यूनिट, क्योंकि 1 किलो वॉट आर को हम 1 यूनिट बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। यस सर, यस सर। आया समझ में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। एवरीवन कंप्लीटेड? तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। नो सर, रुक जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आपको ये क्या बताएगा, ये आपको ये बताएगा कि भाई जो एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेरे ख्याल से इसको फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने बताए थे, है ना, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। तो ये याद रखना कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेबल है बेटा, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आया समझ में? दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हो सकती है। जैसे आप बहुत कॉमनली एग्जाम्पल देखे होंगे, आपको मैं एक तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ, वो रेलवे, पहले पुराने जमाने में जो रेल्स चलती थी, आप उसमें देखना उस वो स्टीम इंजन यूज होते थे पहले। यस सर, रेलवे में पहले स्टीम इंजन यूज होते थे। वो स्टीम इंजन किस टेक्नोलॉजी पे बना था? वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। आप उसमें कोल डालो, आप उसके इंजन में आप कोल डालो, वो कोल इतनी हीट प्रोड्यूस करते थे कि हम उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। आया समझ में? क्योंकि वो हीट एनर्जी की वजह से आपकी जो इंजन है वो वर्क करता था। पहले बताओ ये आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और एक बहुत और कॉमन बेसिक एग्जांपल ये है, आपने बचपन में अपने बुक बुक में पढ़ा होगा विंड मिल का एग्जांपल। आपने अपने बुक्स में डायग्राम देखते होगे विंड मिल का। तो विंड मिल में क्या होता है, एयर की वजह से, विंड के वजह से वो जो विंड मिल के पेडल्स है वो रोटेट होते हैं, और रोटेशन से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगेन वहां पर काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, विंड, विंड जो है वो ब्लो हुई, यानी कि मोशन में थी विंड, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो ब्लेड्स को पेडल्स को टकराई और वो पेडल्स रोटेट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने, यानी कि कुल मिला के वहां पर काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। बोलो करेक्ट है? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही ना बेटा, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। एक एक करके बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है
तो होता क्या है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पर बॉल, अब बॉल को आपने पकड़ के रखा हुआ है ना, बॉल को पकड़ के रखा हुआ है। अब जैसी बॉल को तुम रिलीज करोगे, बॉल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। नीचे गिरेगी वो मोशन में आ जाएगी। यही डाउट कोई पूछ रहा था मुझे जब मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था, तब मैं आपको बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। तो याद रखना, एक बॉल को ऊपर पकड़ करके रखे हुए हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इसके पास पी है, लेकिन अब जैसे आप इसको छोड़ोगे, ये जो पी है ये धीरे 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 एनर्जी में बदलते जाएगी, क्योंकि नीचे गिर रही है तो इसके पास मोशन है। बोलो करेक्ट motion. है। यहाँ पर हो रहा है, पी जो है वो के में कन्वर्ट हो रहा है, आयरसन में पोटेंशियल एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसका बड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे आज, लेकिन इस टॉपिक के बाद, ठीक? तो ये चीज याद रखना। Now, when a body is thrown upward, the kinetic energy of a body is gradually transformed into potential energy. Just इसका उल्टा सोचो। अगर कोई बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, अगर कोई ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो बॉल जैसे से ऊपर जाते जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, एक पॉइंट में वो रुक जाता है और फिर नीचे गिरता है। हुआ क्या, जब बॉल को आपने नीचे से ऊपर फेंका तो धीरे धीरे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें बदलते चले गई, पोटेंशियल। मैक्सिमम पॉइंट पे वो आएगी ऊपर, तो उस समय पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल। अब वापिस जब वो नीचे गिरेगी तो फिर उसका जो पी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट। तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है एनर्जी, ये सब मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ, अपन इसको लिखेंगे एक साथ, है ना। ना देखो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस ये आपने पता नहीं अभी तो नहीं देखा होगा, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पर ये सिखाया जाता है कि कैसे जनरेटर से हम वाटर के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं। तो होता क्या है ना बेटा, ये टर्बाइन्स लगी होती है वहां पर। इस टर्बाइन्स में ना ये जो है ये व्हील दिख रहा है आपको, तो जैसे पानी, तेज बहने वाला पानी इस टरबाइन में टकराता है, ये टरबाइन बहुत स्पीड से घूमता है, और जैसे ये टरबाइन बहुत स्पीड से घूमेगा ये एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और तो यहां पर हुआ क्या बताओ, यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि ये टरबाइन जो है पानी के तेज बहने की वजह से घूमी, और रोटेशन से आपकी जो वो काइनेटिक एनर्जी है इट विल गेट कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी आपको इतना याद रखना है कि एनर्जी जो है वो एक पॉइंट, एक नेचर से दूसरे नेचर में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे यहाँ टर्बाइन के केस में क्योंकि मूवमेंट के वजह से हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लिखा हुआ है, एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इज ट्रांसफॉर्म इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इंटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। हुआ क्या, जो आपका वाटर का पोटेंशियल एनर्जी था, जो वाटर का पी था, जैसे यहाँ पर रिजर्वायर में देखो, ये डैम में हमने पानी स्टोर करके रखा हुआ है। कभी आपने देखा होगा ना, तो डैम ऐसे वॉल बनी होती है ना, डैम देखे होगे आप सबने, तो डैम में पानी होता है ना, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि गेट को बंद करके रखे होते हैं, तो उनके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जैसे डैम का गेट खुलता है, अब देखना पानी बहुत स्पीड से बहना स्टार्ट करता है, राइट? क्या होगा कि इसमें से ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पेडल्स रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई लिखा हुआ है, एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले बताओ सब लोग आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ थर्मल पावर प्लांट, नाम से समझ में आ रहा है थर्मल। जब भी ये वर्ड थर्मल आता है ना, तो हीट एनर्जी, एनटीपीसी, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म एट अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा, कभी देखे हो थर्मल पावर प्लांट इंटरनेट पर? बहुत सर, बहुत देखा हूँ मैं, रियल में भी देखा हूँ। कहाँ देखे हो? एनटीपीसी में भी देखा हूँ, कोरबा में भी देखा हूँ, मैं बहुत जगह देखा हूँ, सीपत में भी देखा हूँ। अच्छा, नहीं देखे होगे तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा होगा पास में ही है, नागपुर में आप देख सकते हो, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट में होता क्या बेटा, ये बहुत बड़ा एरिया में होता है ये प्लांट, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है,
थर्मल पावर प्लांट में क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोल। विद द हेल्प ऑफ कोल। कोल होता क्या है, सबसे पहले कोल को जलाया जाता है, तो कोल को जलाना इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल चेंज बोल सकते हो। तो हो क्या रहा है, आपने पहले केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया? हीट एनर्जी। कोल को जब जलाओगे तो कोल हीट प्रोड्यूस करेगा, बोलो राइट और नॉट? यस सर, राइट। कोल को आप जलाओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट केमिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और देन इस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जहां पर भी अगर आप थर्मल पावर प्लांट का एक गूगल मारोगे या यूट्यूब मारोगे ना, तो अगर आप उसका बहुत भाप निकलता है सर, तंग रह जाओगे, है ना। इसलिए इसको शहर शहर के काफी आउटस्कर्ट्स में बनाया जाता है। ह्यूज अमाउंट में स्मोक निकलते दिखेगी आपको, यानी किलोमीटर्स में आपको स्मोक निकलते दिखेगी, है ना, इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मेनली वहीं से ही सब जगह सप्लाई होती है, आ रहा है ना समझ में? अब तुम बोलोगे इतना पॉल्यूशन होता है तो क्यों क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी 30 मिनट्स भी आपके घर में नहीं रहेगी, आप कंझा जाओगे, आ रहा है ना? तो देखो लिखा हुआ है, अ थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज इनटू हीट एनर्जी विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले बताओ ये आया समझ में? इसमें हमको बहुत ज्यादा ये अभी पढ़ना है कि कैसे ऐसे होगा, कहां पर कोल को डालेंगे, वो कैसे वो मशीन उसको बर्न करेगा, वो मशीन उसको कैसे हीट में कन्वर्ट करेगा, ये आप लोग अपने हायर स्टडीज में पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में पर्टिकुलर जाओगे तब, ठीक है ना। तो अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि थर्मल पावर हाउस में क्या होता है। तो केमिकल हीट में चेंज होती है, हीट काइनेटिक में चेंज होती है, और काइनेटिक इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है, ठीक है। और अगर आपकी फील्ड अलग रही तो ये सब पढ़ोगे भी नहीं। खैर बताओ ये आया समझ में यहाँ तक, कोई डाउट? यस सर। नो सर। अब हो गया टाइम। एक्चुअल में ये जो एनर्जी है, जो हम एनर्जी को ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसको हम एनर्जी कन्वर्टर्स की हेल्प से करते हैं। एनर्जी को जो हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी कन्वर्टर्स की हेल्प से करते हैं। कई सारे के एनर्जी कन्वर्टर्स होते हैं, जैसे एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पानी को ऊपर भेजते टंकी में। मेरे यहाँ तो लग गया है, भेजता तो है ऊपर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो तुम्हारी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके, है ना, दिस ऑल आर, इसमें सब जगह इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में यूज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप आयरन का बटन से बटन ऑन करते हो तो गर्म हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी। बल्ब क्या होगा बेटा, बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में होगा, बोलो करेक्ट है? यस सर। रेडियो में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। स्टीम इंजन, कार इंजन, ये सब चीजें हैं जिसको मुझे लिखवाना है, लिखो इसको। चलो